हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल आई सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि कितने टाइप के लेंसेज होते हैं और उनके क्या क्या फायदे होते हैं, चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे जो बेसिक लेंस होता है वो होता है हार्ड कोट, जिसपे रिफ्लेक्शन पड़ता है और वो सिर्फ आपका विजन क्लियर करता है। उसका कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है। आप उसके आगे चलते हैं तो ARC कोटिंग वाले लेंसेज होते हैं, जिसे बोलते हैं एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग लेंस, जिसमें एक्स्ट्रा जो ग्लेयर्स पड़ती हैं उसको कट ऑफ कर देता है और आपकी ट्रांसपेरेंसी ऑफ लाइट जो है ज्यादा क्लियर करता है। और तीसरा जो लेंसेज होता है वो है ब्लू कट लेंसेज। आजकल जो है डिजिटल डिवाइस जो है ज्यादा यूज करने लग गए हैं, तो उसके लिए हम जो है ब्लू कट लेंसेज यूज करते हैं, जिससे कि जितनी हार्मफुल ब्लू रेज है आपकी आईज तक नहीं जाती, उसको वो बाहर ही कट ऑफ कर देता है। वो एग्जाम्पल के तौर पर अभी हम आपको दिखाएंगे भी कि वो किस टाइप के लेंसेज होते हैं, सभी हार्ड कोट, ARC कोटिंग और ब्लू कट। अब हम आपको लेंसेज दिखाते हैं कि कितने टाइप के और किस तरीके के लेंसेज होते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक वाले लेंस से। ये हमारा सबसे बेसिक लेंस होता है, जिसे बोलते हैं हम हार्ड कोट। इसके लेयर ऑफ कोटिंग कुछ नहीं होती, ये प्लेन लेंसेज होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो इसमें आपको वाइट वाइट जो है दिख रहा होगा, इस पर कोई कोटिंग नहीं है। इसी तरीके से हम अगर दूसरा देखते हैं, जैसे एंटी ग्लेयर, इस पे आपको दिख रहा होगा कि थोड़ी सी ग्रीनिश टाइप की कोटिंग आ रही है। इसको बोलते हैं ARC कोटिंग लेंस, एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग लेंस। ये जो है जितना भी रिफ्लेक्शन जो पड़ता है उसको कट कर देता है। तीसरा जो लेंसेज है वो होता है हमारा ब्लू कट लेंसेज। ब्लू कट लेंसेज जितनी भी हार्मफुल रेज होती है उसको कट कर देता है। ब्लू कट लेंसेज में भी बहुत सारी वेराइटी आती है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इसमें क्या क्या वेराइटीज आती हैं। तो अभी हम दिखाते हैं सबसे बेसिक जो लेंस होता है वो होता है हार्ड कोट। तो हार्ड कोट लेंसेज में जो है जितनी भी हार्मफुल रेंज होती है या रिफ्लेक्शन होता है वो आपकी आईज तक प्रॉपर तरीके से चला जाता है। दूसरा होता है आपका एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग लेंस। इसमें जो है थोड़ा सा आपको दिखेगा कि लाइट को थोड़ा सा कट करता है ब्लू लाइट को, लेकिन जो एक्स्ट्रा ग्लेयर्स होती हैं, जैसे ब्लू हार्मफुल ब्लू रेंज होती है, वो आपकी आईज तक प्रॉपर तरीके तक जाती हैं। और इसी तरीके से तीसरा जो लेंस है हमारा वो है ब्लू कट लेंसेज। ये प्रॉपर तरीके से उन लाइटों को ब्लॉक कर देता है जितनी भी हार्मफुल ब्लू रेज होती है। तो आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरीके से उसको ये ब्लॉक करता है। ये तीनों लेंसेज मैं आपके आगे रख देता हूँ और आप देख पा रहे हैं इसमें से भी ब्लॉक होता है, ये लाइट को बिल्कुल कट कर देता है और इसमें भी लाइटें प्रॉपर तरीके से जाती है। तो इसी तरीके से सबसे बेसिक जो लेंस है वो हमारी आईज के लिए इतना हेल्दी नहीं होता है, और जो एंटी ग्लेयर है थोड़ा बेटर होता है, और ब्लू कट जो है सबसे ज़्यादा ठीक होता है। और ब्लू कट में भी वैरायटी आती है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि वो कितने टाइप की वैरायटी होती है और हमें कौन सा लेंस जो है ब्लू कट लेना चाहिए, हमारा कितना टाइम जो है सिस्टम पे वर्क रहता है, वो सारी चीज़ें जो है अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब हम खुद आपको दिखाएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंसेस होता है, ब्लू कट लेंसेज और नॉर्मल लेंसेज में जो होता है हार्ड कोट लेंसेज जो होता है। अब आपको दोनों लेंसेज में डिफरेंसेस दिखाऊंगा कि दोनों लेंसेज में ज्यादा क्लियर, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी किस लेंस की होती है। जैसे कि ये नॉर्मल लेंसेज है आप देख पा रहे हैं, और ये आपका ब्लू कट लेंसेज है। आप दोनों में डिफरेंसेस देख पा रहे हैं, इसमें पूरा प्रॉपर तरीके से रिफ्लेक्शन आ रहा है और ये रिफ्लेक्शन को कट करता है। इसकी ट्रांसपेरेंसी ऑफ लाइट ज़्यादा अच्छी होती है नॉर्मल लेंस के मुकाबले। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कितने टाइप के ब्लू कट लेंसेज होते हैं और कौन सा ब्लू कट लेंस कितना हमारे लिए इफेक्टिव रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।